सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हमारी वीडियोस मिस ना करने के लिए दबाइए इस बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ट्यूटोरियल चैनल में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर के जरिए एक वायरस बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वायरस। ये वायरस हार्मफुल नहीं होगा, आप अपने दोस्त या फिर अपने विक्टिम के कंप्यूटर में आप इसे डालोगे तो वो बिल्कुल डर सा जाएगा कि ये क्या हो गया मेरे कंप्यूटर को। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, आपको जान के अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नोटपैड में जाना पड़ेगा या फिर, ठीक है, मैं नोटपैड में जाता हूँ। मैं नोटपैड में चला गया फ्रेंड्स। ठीक है, आपको यहाँ पे अब कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी, तो वो कोडिंग की टेंशन आप मत लो, मैं कर दूँगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे कोड्स प्रोवाइड कर दूँगा जो जो कि इसके लिए ज़रूरी है। ये रहा, आपको इसे डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लेना है और यहाँ नोटपैड में आके पेस्ट कर दो। ठीक है, आगे के प्रोसेस में करता हूँ। सॉरी, सबसे पहले इसे आप सेव कर लें, सेव एज, जहाँ भी आप सेव करो वहाँ पे आपको लिखना है computer.vbs। ये computer.vbs लिखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इसे सेव कर लें सिंपली। ये सेव हो गया, तो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ सेव है। आप देख सकते हैं ये फाइल बन चुका है, मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। कुछ भी नहीं है यहाँ पे अभी, तो अब हम इसमें कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, से आप इसे सेव कर लें, कंट्रोल प्लस एस दबा के आप इसे सेव कर सकते हैं। मैं दिखा दूँ आपको कि मैंने जो आगे प्रोग्रामिंग करी वो कैसे दिख रही है। हम देख सकते हैं एरर वाइल ओपनिंग कंप्यूटर डू वांट टू फिक्स इट, यस। तो आगे की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी हमें, फिर से वही मैं पेस्ट कर रहा हूँ। मैं सारे कर देता हूँ फ्रेंड्स, आप देख के एज इट इज कर लेना। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा वायरस बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव। तो फ्रेंड्स, ये सेव हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह दिखता है। ठीक है, मैं इसे ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं, एरर वाइल ओपनिंग कंप्यूटर, डू यू वांट टू फिक्स इट? यस। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर में वायरस सक्सेसफुली बन चुका है। अब ये वायरस किसी भी कंप्यूटर में जाने के लिए तैयार है। तो अब ऐसे ही थोड़ी ना किसी के कंप्यूटर में डाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले इसे कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ऐसे तो वो इसे ओपन नहीं करेगा ना, तो अब इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले इसे मैं कट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कट कर लिया इसे। हम लोकल डिस्क में रखेंगे। पेस्ट। तो देखिए, ये हमारा पेस्ट हो चुका है। अब हम इसे इसके शॉर्टकट ले लेते हैं। ठीक है, गेट शॉर्टकट। शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है हमारा। और ये रहा, तो अब इसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसे रीनेम करते हैं। ये जो शॉर्टकट दिख रहा है, इसे हमें हटाना पड़ेगा। और ये कंप्यूटर है, वो भी हटाना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है ना कि विंडोज़ 8, विंडोज़ 7 में माई कंप्यूटर रहता है और विंडोज़ 10 में दिस पीसी रहता है। तो आप देख लें कि विंडोज़ 7 में डाल रहे हो आप या फिर विंडोज़ 8 में डाल रहे हो। ठीक है, तो मेरा तो विंडोज़ 10 है, तो मैं दिस पीसी लिखता हूँ यहाँ पर। आप देख सकते हैं, मैंने इसका रिनेम कर दिया। अब इसके आइकॉन पे फोकस करते हैं। आइकॉन तो ऐसा नहीं रहेगा ना पीसी का, तो इसके प्रॉपर्टीज़ में जाकर हम इसका आइकॉन चेंज करेंगे। चेंज आइकॉन यहाँ पे आ गया। अब ये कंप्यूटर वाला कोई आइकन ढूंढते हैं जो कि बिल्कुल रियल लगे। ये देखिए, कंप्यूटर का आइकन आ चुका है। इसे आप ओके कर लें और यहाँ से अप्लाई पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल रियल लग रहा है। दिस पीसी जैसा, जिससे हम फाइल निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, आप जिसके भी कंप्यूटर में डालोगे उसकी तो हालत ख़राब होने वाली है। वो डर के मारे अपने कंप्यूटर के पास से भाग जाएगा। ये देखें, जैसे ही वो पड़ेगा ना जो कंप्यूटर, जो ब्लास्ट इन 10 सेकेंड, उसकी तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल टेक्निकल ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं यूट्यूब बहुत बड़ा हो चुका है, कहीं आप इस मेले में खो ना जाओ। ठीक है, थैंक यू।